अस्सलाम वालेकुम इमरान, आज की नई वीडियो के साथ आपका प्यारा भाई एहसन फारूक बड़लास आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह पहले कल जो हमने प्रेडिक्शन की थी उस पर क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो लोग नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट की न्यूज़ से और हर चीज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या सोशल मीडिया लिंक्स पे जो है क्लिक करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। अच्छा, मार्केट ने कल से अब तक कोई बड़ी मूव नहीं दी है, जैसे मार्केट जो है अभी तक वहीं पर एक ही जगह पर जो है वो रेंग रही है। और अगर आपने कल बाय की ट्रेड ली थी तो तकरीबन 70 पिप्स प्रॉफिट में गई, जिन्होंने ब्रेक इवन कर दिया उनकी ब्रेक इवन हो गई होगी, और बाकी जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो तकरीबन आपकी -35 पे ट्रेड चल रही होगी। टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, आज एक यूएसए की जो है सीपीआई की भी रिपोर्ट आनी है जिस पर जो दिख रहा है कि डॉलर जो है वो वीक होना है और गोल्ड बाय जाने के चांसेस हैं, मगर हम बिला वजह ब्लाइंडली जो है वो जंप इन नहीं करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास आज का लेवल है वो है तकरीबन, एक मिनट दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ, ये रहा और ये लेवल है 1795 का। 1795 से ऊपर अगर H1 बंद होता है तो काफ़ी क्लियर ये एक हमारे पास बाय का जो है वो इशारा होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो आज तकरीबन आप कह लें 1805 होगा। अगर इससे ऊपर मार्केट बंद होती है तो आप 1805 तक के लिए जो है बाय देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टारगेट है वो है 1805 का, बाय करेंगे 1795 से ऊपर H1 बंद होने पे। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड मूविंग एवरेज 200 को टेस्ट भी कर रहा है M15 पे, तो मे बी पॉसिबल कि ये यहाँ से यूँ चला जाए, मगर आपने अभी कुछ नहीं करना, आपने इंतज़ार करना है। और अगर न्यूज़ पे फेक मूव देते हैं ये, तो आपने ये एरिया जो है इस पे आपने नज़र रखनी है जो कि है 1785 का। एक मिनट में पहले लाइंस ड्रॉ कर लूँ फिर आपको सारे सिनेरियोज़ जो है वो मैं बताता हूँ। इसको फ़िलहाल हटा देते हैं। ओके, पहला एरिया जो है हमारे पास 1795 से ऊपर H1 बनोने पे बाय कर सकते हैं, टारगेट होगा 1805 तक की तरफ। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है 1784 से नीचे तो मार्केट तकरीबन जाएगी 1777 तक, और यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट बाय में बंद होनी चाहिए H1। और अगर H1 या H4 बाय में, H4 ज़्यादा कन्फर्मेशन दे देगा बंद होता है तो आप इसको अगेन बाय कर सकते हैं, टारगेट वही होगा 1805 का। और यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि मे बी पॉसिबल न्यूज़ आने पे एक विक बने और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके 1785 पे मार्केट जो है बाय में चली जाए। न्यूज़ अब से कुछ एक घंटे बाद है, 4:30 हो रहे हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, और न्यूज़ आनी है तकरीबन 5:30 बजे, तो आप लोगों को ख़ुद से अलर्ट रहना पड़ेगा न्यूज़ के वक्त। और जब कैंडल क्लोज़ हो रही हो H1 की तो आपने देखना है कि इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो बनना है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को एक डायरेक्शन देना, बाकी आगे ट्रेड लगाना और उस वक्त करंट सिचुएशन मार्केट की एनालाइज करके ट्रेड करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, जम के पैसे कमाएं, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।